आज हमारी सभा में पहुंचने दो नंबर छह के सभी सम्मानित बुजुर्गों व नौजवान साथियों, मैं आपका बाबा मुंगानाथ जी के पावन धारा खारिया पर पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवादी व आभारी हूं। मुझे बड़ी खुशी है व गर्व महसूस हो रहा है कि आपके जोन से मुझे आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। आज अपना नामांकन पत्र भरने के बाद साथ ही दिन रात गांव गांव में जाकर डोर टू डोर करके एक एक मतदाता के पास पहुंचूंगा और सबका आशीर्वाद लूंगा। सभी कार्यकर्ता साथियों से विनती है कि डोर टू डोर में अपने अपने गांव में सभी साथी वोट की अपील के साथ चलें। ये चुनाव मेरा नहीं, आपका अपना चुनाव है और इस चुनाव को जीतने में मेरी जीत नहीं बल्कि एक एक कार्यकर्ता की जीत है। बाकी मैं आपको एक और बताऊं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना कहूंगा आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे एक कहानी होती है वो सुनाता हूं आपको। एक बार एक रानी थी, तो उसने अपनी नौकरानी को बुलाया, कहिए रे एक लड्डू जो तेरे को सबसे सुंदर बच्चा लगे ना स्कूल के अंदर उसको ये लड्डू दे आना। तो वो जो नौकरानी थी वो अपने काने लड़के को और वो लड्डू देगी। फिर रानी ने पूछा बता किसको, उसने सोचा उसके के लिए करी है दी रानी के लड़के को देखिए ये वो लड्डू। उसने कहा मैं तो मेरे काने को देखिए हूँ लड्डू, क्या वो कैसे सुंदर है, वो तो काना है, क्या है तो मेरा बेटा, मेरे को सबसे सुंदर वही लगता है। तो मेरा कहने का मतलब, मैं जनता का बच्चा हूँ, मैं जनता के बीच हूँ और जनता मेरी माँ है और आपने वो लड्डू मेरे को देना है, करण को उनकी जो लड्डू है या जो स्कूल है उनका इलाहाबाद तक है, मैं वहाँ दाखिले लेने नहीं गया। और उनको अगर वहाँ कोई जमीन मिट्टी जमीन मिल नहीं रही दोबारा से जमने के लिए, तो उठ के खड़े होके यहाँ अपने को खराब करने आ गए। ये उनकी राजनीति है, वो खराब कर रहे हैं, हम उन्हें नहीं खराब कर रहे, वो अपने को खराब कर रहे हैं। यहाँ आके वो सोच रहे हैं वहां से तो पैर उखड़ गए तो यहाँ जमाने का प्रयास करो, वो बागादोड़ी में यही काम में लगे हैं। इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब सच्चाई के पथ पर चले। चौधरी देवीलाल ने सच्चाई का साथ दिया था, आप सच्चाई के पथ पर चले। चौधरी रणजीत सिंह जी का गन्ने किसान का बोर था, आपने इनको चुनाव जिताया और आपके बीच आज सिर्फ विधायक बनाया आपने, लेकिन यहाँ मंत्री बन के आपके बीच आए। तो ये जो चुनाव है ये वोट मुझे नहीं जाएगा, ये चौधरी रणजीत सिंह जी को वोट जाएगा। दोबारा आपने अपने विधानसभा के अंदर जो कुर्सी फिक्स करनी है और आगे अपना मंत्री बनाना है चौधरी रणजीत सिंह जी को, तो आप मुझे ही वोट दें, क्योंकि अगर आप कहीं इनेलो को वोट देते हैं तो वो कहीं मंत्री तो क्या मंत्री बनने की स्थिति में भी नहीं है। ये जनता की आवाज है, मेरी आवाज नहीं है, जनता मेरी माँ है। मैं जनता को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद।